और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। तो हर जगह खतरे ही खतरे छिपे हैं। अरे बच गया। ये जगह बेहद खतरनाक है। यहाँ तो मौसम भी कड़ी परीक्षा लेता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहाँ जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। इस बार मैं मले आर की पेलेगो के टापुओं के समूह पर आया हूँ। दुनिया के इस दूर दराज के खतरनाक सुनसान इलाके से जिंदा निकलने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। खड़ी चट्टानों पर चढ़ूंगा, दम निकल गया। जंगली जानवर पकड़ने के लिए अपनी हंटिंग स्किल्स को आजमाऊंगा। खाने की तलाश में 30 फुट की गहराई में डाइव लगाऊंगा। क्या बात है! आपको यहाँ से बच निकलने के तरीके सिखाऊंगा। ये समंदर मलेशिया और फिलीपींस के बीच फैला हुआ है। मैं भी ऐसे टापुओं की ओर जा रहा हूँ जहाँ कोई इंसान नहीं रहता। ये दुनिया के सबसे बड़े आर्किपेलेगो का हिस्सा है। मलेशिया की रीफ्स कोरल ट्रायंगल का हिस्सा है और ये दूर तक फैले हुए हैं। इनका साइज करीब ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप ऐसे सुनसान आइलैंड्स पर कैसे जिंदा रह सकते हैं जहां से निकलने में मुझसे पहले कई लोग नाकाम रहे हैं। थोड़ा और ऊपर जाना होगा। हाँ ठीक है। ये बहुत ही मुश्किल चैलेंज होगा। हमारे पास 7 सेकंड है। हम करीब 10,000 फुट की ऊंचाई पर हैं। ये जंप बहुत ही संभल कर लगानी होगी। अब तो इसका काफी हिस्सा कट चुका है। ये दुनिया से कटा हुआ एक सुनसान इलाका है जहाँ इंसान कम ही आते हैं। ये किसी नारियल के पेड़ों वाले बीच जैसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इन रेन फॉरेस्ट में जिंदा रह पाना मुश्किल है जीने के लिए, और ये जंग यहाँ की हर चीज को टफ बना देती है। पहले आगे चलते हैं। इस आइलैंड पर क्या क्या है ये जानने के लिए इसे अच्छी तरह से देखना होगा। उसके लिए किसी ऊंची जगह जाना होगा। ये बिल्कुल आसान नहीं है। हर चीज आपको जकड़ने, काटने और नीचे घसीटने पर तुली हुई है। निकली है और मिट्टी से खाना चूसने के लिए बढ़ आई है। ये जड़े मेरा वजन आराम से संभाल लेंगे। ट्राई करके देखते हैं। ये चढ़ाई करीब 4 मंजिला इमारत जितनी है। एक बार चल पड़ा तो लौटने का सवाल ही नहीं उठता। सबसे अच्छा तरीका है अपने पैरों के सहारे अपने शरीर को ऊपर धकेलना। अगर सिर्फ हाथों के सहारे चढ़े तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। दो जड़ों की मदद से हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इस तरह से चढ़ाई करना मुमकिन तो है, लेकिन अगर खाने और पानी की कमी से शरीर कमजोर हो गया हो तो जल्दी चढ़ना नामुमकिन हो जाता है।